नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स कटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे गुलबीरा, जो कि शक्ति की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था और इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको शक्ति की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको शक्ति की कॉमिक्स देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर बिना हथियारों के स्कूल की जबरदस्त सिक्योरिटी को हम बंधक कैसे बनाएंगे? उफ, हथियार स्कूल में जाएंगे मगर हमारे आदमी लेकर नहीं जाएंगे, एक छोटी बच्ची लेकर जाएगी। समस्त नारी जगत की रक्षक शक्ति के रहते ये कैसे संभव था? अरे ये कौन? सो ठहर, डो ठहरो, डोंट शूट मी, मैं शक्ति हूं। नारी जगत की रक्षा के लिए मेरा जन्म हुआ है। विश्व में कहीं पर भी नारी पर संकट आता है तो मैं वहां पहुंचती हूँ। इस स्कूल पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। शक्ति ने ढूंढ निकाला उस खतरे को। देखो, इंसानी बस्तियों में कुछ दरिंदे भी बसते हैं जो मासूम बच्चों के बस्तों में हैंड ग्रेनेड एवं पिस्तौल जैसी घातक बारूदी हथियार छुपा देते हैं। उनका मंतव्य स्पष्ट है। अरे, मेरी बुक्स कहाँ गई? ओ गॉड, इसका मतलब वो लोग आसपास ही होंगे, क्योंकि बच्ची को हथियार से अंदर पहुंचाने के साथ ही उन्हें कोई वारदात अंजाम देनी होगी। वो रहे, वो आतंकवादी हैं, शायद स्कूल को बंधक बनाने आए होंगे। पकड़ो उन्हें। पकड़े तो वो जा चुके थे, बच्चों के धमाके करके बच्चों को डराने आए थे। बमों को धमाके करके बच्चों को डराने आए थे। धाड़, तुम्हारा मकसद जो भी रहा हो वो खून ही होगा और खून की सजा मौत ही होनी चाहिए। मगर यहां मासूम बच्चों के मन पर खून की दहशत छोड़ना ठीक नहीं। तुम्हें यह सजा मैं यहां नहीं दूंगी। वो देवी थी, मां काली का अवतार लग रही थी। ना जाने क्या होना होने वाला था, हमें जिंदगी का तोहफा दे गई। तोहफे सुंदर एवं खूबसूरत भी होते हैं। मैं तुम्हें एक यादगार तोहफा देना चाहता हूँ वीरा। पागल प्रेमी अक्सर अपने प्रेमिकाओं को एक ही तोहफा ही देते हैं। ताजमहल। क्यों ताजमहल? क्यों? क्योंकि दीवाने प्रेम की शानदार आकृति है। वो कैसे? कमाल है, कैसे प्रेमी हो? क्या तुम ताजमहल का इतिहास भी नहीं जानते? 22 साल में सफेद संगमरमर से तराशी गई इस अनुपम यादगार कृति का एक एक पत्थर, वो एक एक एहसास है जो मुगल सम्राट शाहजहां को अपनी पत्नी मुमताज महल के साथ बिताए गए एक एक पल में हुआ। मैं इस प्रेम की अनुकृति मानने से इनकार करता हूं, क्योंकि ताजमहल वास्तव में एक मकबरा है। दीवाने प्रेम की अनुकृति एक मकबरा नहीं हो सकती। तड़ा, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग हो सकती है, ताज एक शानदार मकबरा हो सकता है, मगर प्रेम की अनुकृति नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कब्र मौत की याद दिलाती है, प्रेम की नहीं। कब्र सभी तरह के संबंधों का आखिरी पड़ाव है। कोई भी उस जगह से प्यार कैसे कर सकता है जहां उसके प्रेम को मटिया मेट कर दिया गया हो? कब्र प्रेम का नहीं, कब्र प्रेम नहीं, शोक है, छुटकारा है, पीड़ा है, जिसका एहसास एक प्रेमी को जीवन पर्यंत रहता है। अगर मकबरे प्रेम का प्रतीक होते तो शवों को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक नहीं किया जाता, बल्कि घरों के आंगन में कब्रें बनाई जाती। गीता की राख को गंगा की धाराओं में बहाया ना जाता, बल्कि उसे सहेज कर रखा जाता। वास्तव में प्रेम की कोई अनुकृति हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम का कोई रूप ही नहीं होता। वो एक एहसास है जो दिल से शुरू होता है और चिता पर जाकर खाक हो जाता है। नहीं वीरा, प्रेम की अनुकृति के रूप में मैं तुम्हें एक मकबरे की प्रतिकृति नहीं दे सकता।
तुम वाकई पागल हो गुल, दरअसल तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि कोई तुमसे भी अधिक दीवाना प्रेमी है। हाँ, और मैं ये बात मानना भी नहीं चाहता। इस बात की स्वीकृति मेरे प्रेम के कद को बहुत बौना बना देती है, और बौनी चीजों में कभी पूरकता नहीं होती। डॉन की ताकत बौनी नहीं थी। छोटा डॉन, मैं अपनी पिछली असफलताओं को रोना नहीं रोता, क्योंकि हमारे काम में बाजी कभी हमारे हाथ लगती है, कभी नहीं लगती, लेकिन हम हारते नहीं। इन समाचार पत्रों को और इनकी हेडिंग्स को देखो, क्या है इनमें? इनमें प्रेम में पागल एक जादूगर की कहानियां छपी है, जिसके पास अपने विचारों की ताकत से किसी से भी कुछ भी करा लेने की क्षमता है। यह आदमी हमारे काम का है। यह आदमी परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है, और मुझे ये आदमी चाहिए। वो आदमी पागल प्रेमी तो था, मगर क्रिमिनल माइंडेड नहीं था। वाह, क्या शो है! ऐसा नजारा पहले कभी किसी जादूगर ने नहीं दिखाया। कुर्सी समेत ऑडिटोरियम में बैठे कई दर्शकों को हवा में उड़ा दिया। वाओ, वंडरफुल! उसको बोलो वाहनों को भी ऐसे उड़ा दे, सड़कों के जाम ट्रैफिक से छुटकारा मिल जाएगा और देश का ईंधन बचेगा। वो अलग, यही है वो जादूगर गुलशन और गोल। अरे, ये क्या हुआ? वो गिर कैसे गया? धड़ाक! हमें नीचे उतारो, हमें अपने सिर नहीं फोड़वाने। गुलशन, आप अपनी एकाग्रता लूज कर रहे हैं। हाँ, शायद कर रहा हूं। मेरे जेहन में ताजमहल है, मेरी वीरा के जेहन में ताजमहल है। उसने मेरे प्यार को शाहजहां के बनाए मकबरे से कम करके आंका है। मेरी ये बात मेरी एकाग्रता को भंग कर रही थी। और जो चीज मेरी एकाग्रता को भंग कर रही है, क्यों ना मैं उसे ही भंग कर दूं? जो नाम तेरे नाम से ऊंचा बताया जा रहा हो वीरा, क्यों ना उस नाम को ही मिटा दूं? आगरा कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, अगर कुछ लोग ठान लें, कुछ मतलब कुछ हजार लोग, तो ऐसी ताकत खड़ी हो सकती जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताज के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ये कौन लोग हैं? ये बुलडेजर के साथ इधर क्यों आ रहे हैं? इनके आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें रोको, शायद ये लोग ताज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें चेतावनी देते हुए उन पर रबर बुलेट्स दागो। फायर! ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रोकना तो होगा, और यहाँ पर यहाँ यहाँ हम एकदम से गोली नहीं चला सकते। वाटर प्रेशर से इनको दूर खदेड़ो, मगर बुलडेजर जैसी मशीनों को वाटर प्रेशर से नहीं खदेड़ा जा सकता। अब लाठी चार्ज करना होगा। लाठी चार्ज से लोग घायल होंगे। लोगों में स्त्रियां भी थी। हटो हटो पीछे, वरना मुझे लाठी चार्ज करना होगा। लाठी चार्ज की नौबत नहीं आई। आई शक्ति, ताज की सुरक्षा पर ये कैसा खतरा मंडराया? ओह, ये कौन? शक्ति ने बैरिकेड्स उठा लिए। पीछे हटो, ये हमारी मदद के लिए आई है, मगर ये अकेली क्या करेगी? शक्ति अकेली क्या करेगी? इन लोगों को जालीदार बैरिकेड से धकेलकर पीछे हटाना लगभग नामुमकिन है। ये लोग जुनूनी अंदाज में ताज की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन लोगों को रोकने के लिए मुझे लोहा चाहिए, जिसे मैं अपनी हथेली की उष्मा से पिघलाकर अपनी हथेलियों में जज्ब कर सकूं। वो क्या कर रही है? लोहे के बैरिकेड्स हमारे देखते ही देखते उसके हथेलियों में समा गए। वो शक्ति है, ये एक बार पहले भी ताज पर आई थी। उफ, ये कौन है? पाकिस्तानी आतंकवादियों के मंसूबे को मिट्टी में मिलाने, मैं तब भी यही था। वो अपने हथेलियों की गर्मी से सबके हाथों में मौजूद कुदाले, सरिये और हथेड़े जैसे औजारों को पिघलाकर अपनी हथेली में जज्ब करती जा रही है। इन औजारों के बिना
ये हाथों से तो ताज को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। बुलडोजर जैसी मशीन भी मोम की तरह पिघलकर उसकी हथेलियों में समा गई। अब वो भीड़ के रास्ते में लोहे के जंगले खड़े कर रही है। मेरे हमला से ये लोग घबरा क्यों नहीं रहे हैं? ना ही पीएसी फोर्स के जवानों की तरह मुझे और मेरी चमत्कारी शक्तियों को देखकर इन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। ये तो वन मैन आर्मी है। ये सब ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे दिल्ली में कांटा लगा वाली घटना में हुआ था, जिसका सूत्रधार प्रेमी युगल था। प्रेमी गुल था, सॉरी, वीरा कुपित थी। क्या कर रहे हो गुल? तुमने हजारों लोगों का दिमाग में ताज को तोड़ने का विचार भर दिया। उफ, ये तुमने क्या किया? शक्ति की चेतावनी को भूल गए क्यों? शाहजहां के प्रेम को प्रेम का कद मेरे प्रेम से ऊंचा हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरना तुम मुझे हमेशा के लिए खो बैठोगे, क्योंकि ये अपराधी घटनाएं हैं जिनके कसूरवार तुम हो। कानून तुम्हें बख्शेगा नहीं। शक्ति से डरो, कानून से डरो। जेल की काल कोठरी में रहकर तुम मुझे चाह नहीं सकते। ऐसा प्रेम किस काम का? वो सजा बन जाए। वैसा प्रेम करो गुल जिसे सिर्फ तुम महसूस करो और जिसे सिर्फ मैं महसूस करूं। चर्चा का विषय बनाने वाला प्यार कभी सफल नहीं होता। आज तुम्हें मुझसे वादा करना होगा गुल। अगर ये वादा ना किया तो तुम भविष्य में मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। मैं जानता हूं मेरा इनकार मेरी मौत बन जाएगा, इसलिए एक वादा तेरे नाम करता हूं। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तुम्हें हमारे प्यार को अपने दिल की दीवारों में उम्र कैद देनी होगी। ये मेरी आंखों में झलके, ये तुम्हारी आंखों में झलके। ये मेरे दिल में मचले, ये तुम्हारे दिल में मचले। इसे सार्वजनिक ना करो गुल, ये मेरी प्रार्थना भी है। गुल वादा करता है वीरा। मैं जानती हूं कि वो इस वादे को निभाएगा, तो मेरी जरूरत यहां पर खत्म हो गई। अब हमारी जरूरत पैदा हो गई है डॉन। गुल कोई भी अपराधी काम नहीं करेगा, उसके दुखती रथ पर हाथ रखना होगा। और गुल की दुखती रथ है और गुल की दुखती रग है वीरा। रुमाल रुमाल पर क्लोरोफॉर्म छिड़को। अब वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे, मगर वो जान नहीं पाएगा कि हम कौन है। और जब तक जान नहीं पाएगा, तब तक वो अपने विचारों की शक्ति से भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुल का चेहरा उस वक्त लोहार के भट्टी की तरह सुर्ख था। दिल्ली में आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए हमें 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमारे लिए अब ये काम तुम करोगे। लोग कहते हैं वादे अक्सर टूट जाते हैं, मगर गुल ने जो वादा वीरा से किया है वो नहीं टूटेगा। आज के बाद गुल के वादों की मिसाल पेश की जाएगी। और अगर तुमने वीरा को कोई नुकसान पहुंचाया तो शमशान में बहुत सारी लकड़ियां हैं, उनमें भी अपने हिस्से के चुनकर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी चिता बिना लकड़ियों के ही बने। डॉन के चेहरे पर चिता की आग से भी ज्यादा ताप पैदा हुआ था। उसके शब्दों के दृढ़ता ने जवाब दे दिया, छोटा डॉन, कि वो हमारा काम नहीं करेगा। डॉन को इनकार करके उसने अपनी मौत के फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन उसे मारने के लिए उसे मारना जरूरी नहीं है। उसकी मौत यहाँ मेरे सामने है। बेटी और मौत हमेशा रुलाकर ही जाते हैं, और अगर आंसू आंख से ना बहे तो सीने में बारूद बनकर इकट्ठा हो जाते हैं, और जब वह बारूद फटता है तो कुदरत को भी हिला देता है। बीरा, हटो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। पुलिस को कार्यवाही करने दो। बीरा, बीरा, रोना है तो घर जाकर रो लेना। अरे कोई हटाओ इसे यहां से। हवलदार, गोल की आंखें भी नहीं बरसी थी। उसके सीने में असीम वेदनाओं के ज्वालामुखी हल चला रहे थे। मेरे मीरा को कोई हाथ मत लगाना। अरे जिसे आज तक किसी की नजर भी ना लगने दी, उसे अब तुम लोग हाथ लगाओगे? ओफ,
हट जाओ, उफ, मुझे मेरी वीरा के पास अकेला छोड़ दो, ये पागल हो गया है। अब इस शहर में वीरा रहेगी, गुल रहेगा, उन दोनों के सिवाय कोई नहीं रहेगा। हवा को भी यहां से गुजरने की इजाजत नहीं दूंगा, पत्ता भी खड़का तो उसे पतझड़ दिखा दूंगा। गुल का कहर पूरे शहर पर टूट पड़ा था। उफ, बस स्टॉप पर खड़ी बस अपने आप अनियंत्रित होकर इस दीवार से टकरा गई। बिना पायलट का हवाई जहाज एयरपोर्ट से रनवे पर दौड़ा और तबाही मचाता हुआ शहर में प्रवेश कर गया। इस शहर को किसी पागल प्रेमी की आह लग गई है। हे भगवान, ये कैसी तबाही मच रही है। आह के साथ राह भी निकलती है। ये सिर्फ और सिर्फ गुल का काम है। गुल ऐसा पागलपन क्यों कर रहा है। शक्ति के हाथों से निकली प्रचंड उष्मा ने विमान को समूचा निगल लिया। ओह, उधर वो क्रेन एक दैत्य की तरह तोड़फोड़ मचा रही है। धर 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 धर, शक्ति को आज खूब सारा लोहा अपनी हथेलियों में जज्ब करना होगा। इस क्रेन में ड्राइवर नहीं है। उफ, ओ नो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वो रॉकेट उछल पड़ा है। अगर ये दिल्ली की जमीन से टकराया तो तबाही मचा देगा। शक्ति के पास प्रकाश की गति थी, रॉकेट उस गति से हार गया। इसको पकड़कर इसका रुख आकाश की ओर कर दिया है। ओह, वो फट गया। बूम, लोगों में जबरदस्त भगदड़ मची। शहर खाली करो, शहर खाली करो। दिल्ली के हर कोने में ऐसी तबाही मची है और मैं हर कोने में नहीं पहुंच सकती। इस तबाही को रोकना है तो गुल को रोकना होगा। गुल को, शक्ति ने तपती निगाहों से गुल को घूरा। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाहजहां ने अपने प्यार की खातिर ताजमहल बनाया और तुम एक विशाल शहर को अपने घर से कब्रिस्तान बना रहे हो। ताजमहल को हजारों वर्षों से याद किया जाता है। लोग वहां आकर सजदा करते हैं, श्रद्धा से फूल अर्पित करते हैं। मगर अपने वीरा के नाम के साथ तुमने शमशान जोड़ दिया है। ऐसा करके तुमने अपने प्यार को कलंकित किया है। गुल, तुम्हें वीरा की खातिर इस तबाही को रोकना होगा जो तुमने शुरू की है, वरना वीरा कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुमने एक वादा उसके नाम किया था, अगर तुमने वह वादा तोड़ा तो तुम्हें भी वीरा को छूने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं है, वादे से बंधा गुल अब पट्टी से बंधा नहीं रह सकता था। मैं तुम्हारे जज्बात को समझती हूँ गुल, जमाने की बेरहमी को भी समझती हूँ। दूर कहीं गीत बज रहा था, जब हम ना होंगे तो हमारी खाक पर तुम रुकोगे चलते चलते। इस भयानक अफरा तफरी में मारे सिर्फ दो ही लोग गए थे, छोटा और बड़ा डन। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कर देना और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।